दोस्तों रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा रोहित शेट्टी के करियर के लिए सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। इससे पहले चेन्नई एक्सप्रेस ने रोहित शेट्टी की फिल्म का नंबर वन खिताब हासिल कर रखा था, जिसने 227 करोड़ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर किया था, लेकिन फिल्म सिम्बा ने अब वो पार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बुधवार तक की कमाई की बात करें तो सिम्बा 228 करोड़ का कलेक्शन पार कर चुकी है और दोस्तों साथ ही साथ ये फिल्म अब 250 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। साथ ही साथ ये फिल्म रणवीर सिंह के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी है पद्मावत के बाद में। दोस्तों आपको बता दें, रोहित शेट्टी की ये लगातार 8वीं फिल्म है जो 100 करोड़ के क्लब में गई है। ऐसा करने वाले वो भारत के पहले डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ रणवीर सिंह भी अब अपना रुतबा उन एक्टर्स में ला रहे हैं जिनकी हर फिल्म में 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने की हिम्मत रखती है। सिम्बा फिल्म को दर्शकों द्वारा इतना पसंद किया गया कि भारत के अलावा उसे विदेशों में भी सराहना मिली। अगर इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म लगभग 300 करोड़ के बेहद ही करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में मानना पड़ेगा कि सिम्बा की जबरदस्त एक्शन कॉमेडी स्किल्स को बेहद ही पसंद किया गया और फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सिम्बा वाकई में चेन्नई एक्सप्रेस से बेहतर मूवी थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।